रोमांचक मैच में टीम इंडिया हार गई। पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम की करारी हार हो गई। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 158 रन बनाए और डकवर्थ लुइस के हिसाब से टारगेट टीम इंडिया को 174 रनों का दे दिया गया। बारिश से बाधित इस मैच में टीम इंडिया 169 रन ही बना सकी और इस मैच को हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 4 रन से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन ने 76 रनों की अच्छी पारी खेली। वहीं दिनेश कार्तिक ने आखिरी में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी जरूर खेली, लेकिन वो टीम इंडिया को जिता नहीं पाई और टीम इंडिया आखिरी में आकर 4 रन से इस मैच को गंवा बैठी। वहीं कप्तान विराट कोहली इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। उसके अलावा रोहित शर्मा का बल्ला भी आज खामोश ही रहा और 7 रन पर वो भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत ने 20 रन जरूर बनाए, लेकिन जब आखिरी क्षणों में टीम इंडिया को जीत की जरूरत थी तब पंत भी पवेलियन लौट गए और इस तरीके से टीम इंडिया आखिरी आते आते 4 रन से इस मैच को हार गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 46 रनों की शानदार पारी खेली। मलयान ने 37 और पिंच ने 27 रन बनाए और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।